और चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक चल रही है। बैठक के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। ये बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं, साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में पहुंचे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल हुए हैं जिसमें विकास को लेकर चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी और साथ ही विकास का एजेंडा भी तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री से फीडबैक भी ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके अलावा क्या कुछ समस्याएं हैं, आगे की क्या कुछ रणनीति है, ये तमाम मुद्दे होंगे जिस पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी भी बैठक में पहुंचे हैं, साथ ही डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब दिल्ली पहुंच गए थे तमाम नेता, और इस वक्त बैठक जारी है और माना जा रहा है कि अभी कुछ और देर तक ये बैठक चलेगी। तो बैठक बेहद खास मानी जा रही है। इस बैठक में कई सारे मुद्दे हैं, विकास को लेकर बीते दिनों क्या कुछ रणनीति बनाई गई, क्या कुछ समस्याएं हैं राज्यों की, इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा जारी है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नीति आयोग की बैठक के बाद में दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक होगी। इसमें भी सीएम योगी शामिल होंगे, सीएम के साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर बृजेश पाठक जो कि बैठक में शामिल होंगे, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, सीएम अभी भी बैठक में शामिल है, इसके बाद एक और जो बैठक होगी उसमें भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो दिल्ली पहुंच चुके हैं, और थोड़ी देर बाद जब दूसरी बैठक शुरू होगी तो दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में पवन गौर जुड़ गए हैं संवाददाता दिल्ली से, पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, बैठक जारी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है नीति आयोग की बैठक को लेकर? देखिए, सुबह 10 बजे नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में शामिल होना था। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी समेत तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ जो इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। अगर बैठक के एजेंडे की बात करें तो 2047 विकसित भारत, इसका जो है थीम रखा गया है, किस तरह से जो प्रधानमंत्री का विजन है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का, उसको लेकर एक रोडमैप तैयार किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा कि किस तरह से भारत को 2047 तक विकसित बनाना है, जल्दी से जल्दी भारत को अर्थव्यवस्था के मामले पर $5 ट्रिलियन तक को पहुंचाना है। तो इन सब विषयों को लेकर एक रोडमैप और चर्चा की जाएगी, किस तरह से राज्यों के विकास पर फोकस रहना चाहिए, किस तरह से जो केंद्र की योजनाएं हैं वो राज्यों में उनका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, कितना सही से हो पा रहा है, अगर कहीं राज्यों को कोई समस्या आ रही है तो राज्य अपनी बात केंद्र सरकार के सामने रख सकते हैं, अगर राज्यों की कोई विशेष डिमांड है, कुछ राहत पैकेज अगर उनको चाहिए अलग से तो वो अपनी बात रख सकते हैं, या किसी योजना के इंप्लीमेंटेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो तमाम तरह की बातें राज्य और केंद्र सरकार के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जाता है। नीति आयोग में लगातार ये बैठक होती रहती है, तो उसके चलते आज की बैठक में तमाम एजेंडा रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये अपनी बात रखेंगे, किस तरह से प्रदेश जो है वो अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, किस तरह से वहां राज्य और केंद्र की योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है, किस तरह से केंद्र की तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उनको आगे धरातल पर उतारा जा रहा है, ये सब बातों को लेकर पूरी रिपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में पेश करेंगे, तमाम तरह की बातें रखेंगे। अगर राज्य सरकार की जो डिमांड होंगी केंद्र सरकार से वो भी उसको लेकर भी अपनी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज की बैठक में रखने वाले हैं।
तो आज की बैठक बेहद खास, ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हुई हैं। इसके अलावा तमाम और राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं, बैठक जारी है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया पवन आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी की सियासत में एक बार फिर से अखिलेश और केशव वार शुरू हो चुका है। एक ओर से वार किया गया तो दूसरी ओर से भी पलटवार हुआ। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में सियासी जंग फिर से सुर्खियां बन गई है। क्या है ये सियासी जंग, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक ओर से वार हो रहा है तो दूसरी ओर से पलटवार। ये सियासी जंग एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच हो रही है। अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बताया है। अखिलेश ने कहा कि वो दिल्ली के वाईफाई पासवर्ड है। वो मोहरा है दिल्ली के वाईफाई के, वो पासवर्ड है। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए होंगे कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। मोहरे की बात सुनते ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने और अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दे। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। इस सियासी लड़ाई में कांग्रेस को भी हाथ धोने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने चुटकी ली तो बीजेपी ने भी उसका जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और 2027 में समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से चुनाव हराकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर बनाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की कार्रवाई से ज्यादा जनता कार्रवाई करने का मन बना चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदल दिया। फिलहाल अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी वार पलटवार कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच ट्विटर वार हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा था कि दिन पर दिन बीजेपी कमजोर हो रही है, बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर है, बीजेपी में एक दूसरे को कमरत दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है, बीजेपी में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई है, इंजन ही नहीं अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान का खुद केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने लिखा था कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है, सपा का पीडीए धोखा है, यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है, भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। वैसे तो इस सियासी लड़ाई में मोहरे की बात नहीं है, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच सियासी नोकझोंक पुराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर बरेली से है, जहां पर भीषण गर्मी के चलते प्राइमरी स्कूल के बच्चे और टीचर बेहोश हो गए। इस घटना के बाद में उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने स्कूल का समय सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक करने की मांग की है। कैंट थाना क्षेत्र के आलमगीर गफराबाद के प्राइमरी स्कूल का मामला है।